हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं और वो आपको बार बार एक्टिवेट करने का आपको मैसेज देता है कि आप अपना जो विंडोज 7 है वो एक्टिवेट कर लीजिए, ये आपको एक्टिवेट कैसे करना है और कैसे जब आप इस पर लॉगिन करते हो जो वाटर मार्क आता है यहाँ पर नीचे की तरफ, ये वाटर मार्क आपको कैसे हटाना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आपको, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी बहुत सारे यूट्यूबर की, जहाँ पर वो बोलते हैं कि आपको ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर आपको कोई रजिस्ट्री रन करना पड़ेगा जो आपको एक्टिवेट कर देगा विंडोज़ का। बट आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे वायरसेस होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है तो हो सकता है वो वायरस हो, और हो सकता है जब आप कोई रजिस्ट्री रन करते हो वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विदाउट एनी रजिस्ट्री की और विदाउट एनी सॉफ्टवेयर इस विंडोज़ को जो 7 है उसको कैसे एक्टिवेट करना है ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये एक्टिवेट करने के लिए मैसेज दे रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये स्टार्ट बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो ये सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स का एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको RUN रन टाइप करना है और इस पर राइट क्लिक करना है। अगर यहाँ पर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है तो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन है तो आपको ओनली रन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये रन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है services.msc, ठीक है, और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर सर्विसेज ये विंडोज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ सर्विस आपको स्टॉप करना है, जैसे कि प्रोटेक्शंस। आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन करके एक की मिलेगा जो ये सर्विस है, आपको ये सर्विस स्टॉप कर देना है। जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये डायलॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिसेबल सेलेक्ट कर लेना है, डिसेबल्ड लास्ट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और इसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आप इस पर अप्लाई कर दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक विंडोज अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर ये वाला सर्विस भी आपको स्टॉप कर देना है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, डिसेबल कर देंगे, ठीक है, डिसेबल एंड स्टॉप कर दिया। उसके बाद अप्लाई कर देना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये दोनों सर्विस आपको स्टॉप कर देना है। अभी हम लोग वापस से जाकर देखेंगे जो हमारा विंडोज के लिए हम लोगों को एक्टिवेशन की पूछ रहा था वो हटा है या नहीं है। यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है वापस से कंप्यूटर पर, ठीक है, और प्रॉपर्टीज पर जाना है आपको। तो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो विंडोज एक्टिवेशन है, स्टेटस नॉट अवेलेबल, प्रोडक्ट आईडी नॉट अवेलेबल। तो क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट की यहाँ पर पूछ रहा था वो अभी उसने बंद कर दिया है, वो अभी आपसे पूछेगा नहीं, और जो आपका विंडोज 7 है वो स्मूथली चलेगा जैसे कि पहले चलता था। अभी आपको कोई एरर नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ पर वापस एरर आ जाता है तो आपको क्या करना है, वापस से सर्विस के जाना है, सर्विस के अंदर जाना है और वो दोनों सर्विस आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको जो ये विंडोज एक्टिवेट है वो कैसे करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन लाइक जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।